कोविड-19 के जांच के लिए जनपद में 5 पैथोलॉजी को स्वास्थ्य विभाग द्वारा चयनित किया गया है। वहीं इन पैथोलॉजी पर ट्रूनेट मशीन से जांच कराने पर प्रति सैंपल 2500 रुपए धनराशि निर्धारित की गई है। वहीं कंफर्म रिपोर्ट ले रहे हैं तो 2000 रुपए और देने होंगे। इसके अलावा अगर कोई और चार्ज लेता है तो यह गलत होगा, इसके खिलाफ स्वास्थ्य विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शिमो डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा, प्राइवेट पैथोलॉजिस्ट 4-5 पैथोलॉजिस्ट को हम लोगों ने ऑथराइज किया है, जिसमें से कुछ तो सैंपल कलेक्शन सेंटर हैं, जैसे लाल पैथोलॉजी है, SRL है, ये कलेक्ट करके दिल्ली भेजते हैं अपनी लैब में जांच के लिए, और कुछ यहीं के लोकल पैथोलॉजिस्ट जिनके पास ट्रूनेट मशीन RT-PCR मशीन है, उनको भी ऑथराइज किया गया है, वो यहीं पे जांच करते हैं, यहीं कलेक्ट भी करते हैं, इवन वो हॉस्पिटल कलेक्शन भी करते हैं। अगर कोई हॉस्पिटल रेफरेंस दे के किसी उसको बुलाता है और किसी अपने मरीज का कराना चाहता है, जो इसमें धनराशि तय हुई है वो 2500 रुपये प्रति सैंपल टेस्ट करने की लेने का प्राविधान है। अगर वो ट्रूनेट मशीन से कर रहे हैं तो अगर उसका कन्फर्मेटरी करेंगे तो उनको 2000 रुपये और लेने का भी अधिकार है। सर, अगर इसके आगे कोई अगर इससे अधिक लेते हैं तो वो गलती कर रहे हैं, शिकायत मिलने पर उसकी जांच की जाएगी और उनकी पैथोलॉजी का निरस्त भी किया जा सकता है।